हमीरपुर जिले में जिला पूर्ति अधिकारी रामचेतन यादव ने इनकम टैक्स के अधिकारियों के साथ तहसीलदार के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया, जिसके तहत खाद्य तेल और रिफाइंड के कारोबारियों के यहाँ छापेमारी कर सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया। छापेमारी के संबंध में जिला पूर्ति अधिकारी रामचेतन यादव ने बताया कि शासन के निर्देश पर हमीरपुर जिलाधिकारी ज्ञानेश्वर त्रिपाठी की ओर से खाद्य तेल और रिफाइंड के कारोबारियों के यहां छापेमारी के लिए टीम गठित की गई है, जिसके आदेश अनुसार टीम ने राठ कस्बे के उराई बस स्टैंड के पास देवेंद्र ट्रेडर्स की दुकान पर छापा मारा, जहाँ 17 ड्रम रिफाइंड के मिले, जिनके सैंपल कर जांच के लिए भेजा गया। जांच रिपोर्ट आने पर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बताया कि इसके बाद टीम ने पूजा ट्रेडर्स और कृष्णा ट्रेडर्स के यहां छापा मारा, लेकिन दुकानदार दुकानें बंद कर फरार हो गए। बताया कि भागने वाले दुकानदारों को नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसके बाद जाँच की जाएगी। शासन द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है कि विगत कुछ महीनों में खाद्य तेल जो है उसका रेट बढ़ा हुआ है या बढ़ रहा है, तो उसके लिए उसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय ने टीम गठित की है जनपद में। उसी टीम द्वारा आज हम लोग यहाँ पे राठ में इन व्यापारियों के यहाँ औचक रूप से छापा मारे हैं, जिसमें दो व्यापारी जो हमारे मुख्य व्यापारी हैं उपेंद्र ट्रेडर्स और ये फ्यूचर वन करके है जो ब्रांडेड यहाँ निकालते हैं, इनके यहाँ हम लोगों ने स्टॉक देखा है और स्टॉक लिमिट तो सही पाई गई है, स्टॉक लिमिट के अंतर्गत ही पाया गया है, परंतु कुछ हमें टीम को जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी थे उनको जो रिफाइंड पाई गई थी देवेंद्र ट्रेडर्स के यहाँ, उसकी शुद्धता को लेकर के उन्होंने उसकी सैंपलिंग करी है, दो सैंपलिंग की हैं, और दूसरा इनके यहाँ जो पॉइंट सेल्स करके हैं यहाँ भी सैंपलिंग की गई है, क्योंकि वो ब्रांड अपना बना करके फ्यूचर वन के नाम से ब्रांड करते हैं, स्टॉक तो उनके यहाँ नहीं पाएगी।